क्या डॉक्टर अंबेडकर जातिवादी थे? क्या डॉक्टर अंबेडकर देशद्रोही थे? क्या डॉक्टर अंबेडकर कभी जेल गए थे? बहुत सारे सवाल। डॉक्टर अंबेडकर ने खद्दरधारियों को पराए और किराए का टट्टू क्यों कहा और कांग्रेस की तुलना भालू से क्यों की? आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए आपको लिए चलता हूं सीधे मुंबई के कामगार मैदान में। तकरीबन 1,00,000 मजदूरों की सभा थी, 6 नवंबर 1938 को थी ये सभा। बैरिस्टर जमुनादास मेहता अध्यक्षता कर रहे थे और काफी गणमान्य लोग मंच पे थे कामगार मैदान में। अंत में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ। वो भाषण मैं पूरा आपको सुनाता हूं। उन्होंने मजदूरों के हड़ताल के बारे में, और मजदूर आजकल आप देखते होंगे जितने जो बिल्स आ रहे हैं मजदूर के लिए, वो सब मजदूरों के विरोधी हैं, मजदूर हितों के विरोधी हैं, किसानों के विरोधी हैं। तो इस एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल मुंबई सरकार ने लाया था। उस समय संख्या बल ज्यादा था, पास करा लेते। आज भी संसद में वही हो रहा है कि संख्या बल के आधार पर डिस्प्यूटेड बिल्स भी पास कराए जाते हैं जबरदस्ती। तो डॉक्टर अंबेडकर का यह शानदार भाषण आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, उन्होंने आपको बता ही दिया है कि आज हम यहां मुंबई सरकार द्वारा असेंबली में जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया है उसके प्रति अपना विरोध दर्ज करने के लिए इकट्ठा हुए। इस बिल को, ट्रेड डिस्प्यूट बिल या मालिकों मजदूरों के झगड़ा मिटाने वाला कानून कहा जा रहा है। इस बिल के जरिए कामगार की गर्दन कैसे दबोची गई है इस बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकता। आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद कामगारों के बारे में इतना अन्यायकारी कानून संख्या बल के सहारे पारित कराने का काम कांग्रेस ने किया है। आज भी आप देख सकते हैं संसद में क्या होता है। केवल इतना ही नहीं, इस अन्याय की ओर ध्यान दिलाने वालों को के खिलाफ झूठा प्रचार किया गया, निंदा किया गया, है ना, बेशरम की तरह जो है निंदा की गई। इस बात को हम भूले नहीं है। आगे कहते हैं, पराए और किराए के टट्टू खद्दरधारियों से लेकर ठेठ कांग्रेस के भालुओं तक सब यही बरबरा रहे हैं कि मजदूर के नेता स्वार्थी और चालाक हैं। आज मैं आपसे साफ साफ पूछता हूं कि 1930 और 34 के बीच कांग्रेस द्वारा मजदूरों के हितों से संबंधित नीति स्पष्ट की गई थी। इस नीति को कचड़े के टोकरे में डालकर मजदूरों का बेड़ा गर्क करने वाला कानून बनाने वाले कांग्रेस के नेता चालाक हैं, या कामगारों का पक्ष असेंबली में रखकर रखने वाले मजदूर नेता चालाक हैं, इसका निर्णय आपको खुद करना है। वो कहते हैं, कांग्रेस पे उनका हमला, वो कहते हैं कि देश हित और देशभक्ति का सारा ठेका कांग्रेस वालों के पास है। जैसे आज राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र और देश की बात बीजेपी आरएसएस करता है, उसी तरह उस समय कांग्रेस को ही कर रहे हैं। इसलिए लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए। जो हो रही है वो कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस कहती है कि देशभक्ति का सारा विरासत जो है कांग्रेस के पास है। डॉक्टर अंबेडकर जातिवादी है, डॉक्टर अंबेडकर देशद्रोही है, क्योंकि वह कारागार जेल नहीं गए। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, सिर्फ कारागार जाकर इंसान देशभक्त कैसे बनता है यह बात मेरी समझ में नहीं आता। यह बात सच है कि मैं कारागार नहीं गया, अंबेडकर कभी जेल नहीं गए। मेरे कारागार जाने का फायदा ही क्या? मैं अगर कारागार जाता तो यकीनन मुझे एक क्लास मिलता और एक क्लास में
ऐशो आराम से जीने के बाद बाहर आकर अपने अनुयायियों को छलने की दंभिकता मेरे पास नहीं है, उतना साहस मेरे पास नहीं है। मैं खुले मन से इस बात को स्वीकार करता हूं, आज के कांग्रेसियों ने बस नाम भर का कारावास सहा है। असल कारावास सहा लोकमान्य तिलक और महाराष्ट्रियों ने, महाराष्ट्र के नेताओं ने। आगे कहते हैं कि एक तरफा और झूठे प्रचार के कारण भले कुछ लोग इस झांसे में आ जाएं, लेकिन ऐसे प्रचार का झूठा निष्पक्ष ऐसे प्रचार का झूठ निष्पक्ष व्यक्ति के सामने खुल ही जाता है। गांधी के भक्त और अभिमानियों को मेरी यह चुनौती है कि वे गोलमेज सम्मेलन के मेरे और गांधी के सारे भाषण इकट्ठा करें, जो कि राउंड टेबल की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें है, और कहते हैं कि मेरे भाषण का एक किताब तैयार करें और गांधी के भाषण का दूसरा किताब तैयार करें, छापे, और तब निर्णय करें कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। किसी निष्पक्ष न्यायाधीश से इस बात का फैसला कराएं, और इस सभा में मैं घोषणा करता हूं कि मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। आगे कहा उन्होंने कि कल की हड़ताल, यानी अगले दिन 7 तारीख को हड़ताल थी, कि कल की हड़ताल सही मायने में हड़ताल नहीं है। आज कम से कम हमारा मालिकों के साथ कोई झगड़ा नहीं है। मुंबई सरकार ने दुराग्रह के कारण और मालिकों को खुश करने के लिए कामगारों को डुबालने वाला बिल पारित किया है। असेंबली में यह बिल पारित हो ही चुका है, काउंसिल में पारित होने में भी देर नहीं लगेगी। इस बारे में हमारी तमाम कामगार और मजदूर वर्ग की नापसंदगी नाराजगी व्यक्त करने के लिए कल के एक दिन की सार्वजनिक हड़ताल की गई है। इस एक दिन के शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाली हड़ताल के रूप में कामगार और मजदूर वर्ग की विराट शक्ति का स्वरूप हम दुनिया को दिखाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी हड़ताल में शामिल हों और उसे सफल कर दिखाएं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि केवल मैं या कोई दूसरा मजदूर नेता आपको कह रहा हो इसलिए आप हड़ताल में शामिल हो। जी, जिस बिल के विरोध में यह हड़ताल बुलाई गई है उसके बुरे परिणाम के बारे में पहले अपने मन में सोचें, सोच विचार कर अगर अच्छा लगे तब हड़ताल में शामिल हो, मेरा आपसे यही कहना है। आगे कहते हैं कि कल की हड़ताल सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो अपना काम बन गया, ऐसा बिल्कुल ना समझे। 27 तारीख को किसानों का भारत बंद है, कई महीनों से तकरीबन साल भर से किसान आंदोलनरत हैं। एक दिन का भारत बंद अगर सफल भी हो जाता है तो आप उसको सक्सेस ना समझे, ये लड़ाई मतलब लगातार जारी रहने वाली। ध्यान रखें कि आगे आपको जो संघर्ष करने हैं, जो झगड़े लड़ने हैं, उसकी नींव है यह हड़ताल, इस बात को याद रखें। हजारों की संख्या में आज की सभा में आप उपस्थित रहे इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर आपसे विदा लेता हूं। 7 नवंबर को हड़ताल हुई थी और 7 नवंबर को करीब 1.5 लाख मजदूरों की सभा मुंबई के कामगार मैदान में हुई थी, जिसमें आगे की चुनौतियों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण दिया था, और खास तौर से, वो छोटा भाषण है, खास तौर से उन्होंने जो मीडिया का प्रोपेगेंडा है, आज जिस गोदी मीडिया की आप बात कर रहे हैं, मीडिया मंथन में हमने तकरीबन 10 एपिसोड बनाए हैं कि मीडिया कैसे जातिवादी है, कैसे भेदभाव करती है। क्या उस समय की मीडिया डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बुलाए गए हड़ताल के बारे में कैसी रिपोर्टिंग की थी, क्या उन्होंने लिखा था, यह बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए अंबेडकर नामा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए, क्योंकि अंबेडकर नामा एक एकेडमिक मुहिम है, आपको इतिहास से रूबरू कराने का, पेज दर पेज आपको ले चलने का। इस रेफरेंस के लिए आप देखिए वॉल्यूम 39 चैप्टर नंबर 146 पेज नंबर 200 से लेकर 202 तक।
तीन पेज का है, आप इसको देख सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और द अंबेडकर राइट, मुकेश हमारे साथ काम कर रहे हैं, अंबेडकर राइट को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया, जय भीम।